अच्छा तो दोस्तों, मैं देखे ये जो हम बात कर रहे थे आईफोन के बारे में, यहाँ पर इनके पास आईफोन 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स की भी कलेक्शन नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर हम इनके बॉर्डरों पे आगे जाते रहे तो यहाँ पर 12 प्रो मैक्स और 11 प्रो मैक्स के भी नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम आगे जाएं तो ये 11 आईफोन 11 सीरीज भी नजर आ रही है। और इसी तरह अगर नीचे आ जाए तो वहां से देखा जाए तो आईफोन 7 प्लस के भी कई वेरियंट्स हमें नजर आ रहे हैं। और आगे चलते हुए आए तो यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉयड फोन भी रखे हुए हैं, जैसे कि वन प्लस के फोन हो गए, या वन प्लस के भी अगर देखा जाए तो आईफोन के बाद वन प्लस ये एक अच्छी डिवाइस है हर लिहाज से, कैमरे के लिहाज से भी और गेमिंग वगैरह के लिहाज से भी। और यहाँ पर इन्होंने सैमसंग की भी एक दो फोन इनके पास हैं, अच्छे फोन जो अपग्रेडेड वर्जन है, जिस तरह ये सैमसंग S10 Plus 5G में पड़ा हुआ है, और वन प्लस के ये जो नया मॉडल एक आया हुआ है वो भी, और ये सैमसंग का भी नोट 10 है मेरे ख्याल से। बाकी अगर हम नीचे यहाँ पर नीचे वाली जो एक इनकी लाइन है, ये आईफोन एक्सेस मैक्स इनके पास पड़े हुए हैं, गोल्डन और रोज कलर में भी और वाइट कलर के अंदर भी, हर कलर इनके पास है माशाल्लाह से, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भाई बैठे हुए हैं। और ब्लैक कलर के अंदर भी आप देखें, फोन इतना चमक रहा है कि हमारी शक्लें उसके अंदर नजर आ रही हैं। बाकी ये देखें रेड कलर के अंदर आईफोन XR इनके पास पड़ा हुआ है, और आगे देखा जाए तो आईफोन X की सीरीज स्टार्ट हो जाती है और एंड पे देखा जाए तो आईफोन 7 आ जाते हैं। तो भाई से अब आपने इतनी बड़ी कलेक्शन देख ली होगी, तो भाई से लेते हैं अब इंटरव्यू डिटेल के अंदर कि वो क्या क्या प्राइस लगा कर बैठे हैं। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई आपकी जान MS शहजाद आज दुबई प्लाजा के अंदर आया हुआ है एक दफा फिर, और ऑरेंज मोबाइल के ऊपर हम आए हुए हैं। आज हम आईफोन के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको रीजनेबल आईफोन के बारे में बताएंगे कि कितने पैसों तक एक रीजनेबल आईफोन आ जाता है। आईफोन 6 से लेकर आईफोन 14 प्रो मैक्स तक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अंदर और भाई से बात करते हैं और डिफरेंट मोबाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? बहराम। बहरान भाई, क्या आपकी, अभी हम खड़े हुए ऑरेंज मोबाइल के ऊपर और यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे पीछे शानदार कलेक्शन लगी हुई है इनकी आईफोन्स की, और इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या बात है कि इन्होंने सिर्फ आईफोन ही रखे हुए हैं, और इनसे फुल डिटेल लेंगे आईफोन के बारे में और आपको प्राइसेस के बारे में बताएंगे कि ये रीजनेबल प्राइसेस कितनी आपको देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाईजान बताएं कि आपने आईफोन ही क्यों रखे हुए हैं ज्यादातर? आईफोन अच्छा ब्रांड है और आजकल आईफोन ज्यादा चल रहा है कैमरे के लिहाज से, और बाकी ये है कि स्लो हैंग नहीं होते, फोन अच्छे हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं ये वन प्लस के, हम लोग सिर्फ आईफोन के और वन प्लस के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो भाईजान हमें जरा आप बताएं, जरा आप मुझे ऊपर आईफोन 14 प्रो मैक्स वगैरह नजर आ रहे हैं, तो एक फोन उठाएं और उसके बारे में बताएं कि पीटीए और नॉन पीटीए में इसकी क्या प्राइसेज हैं, और इसमें आपके पास कौन सी कितनी मेमोरी में कितनी कितनी मेमोरी में पड़े हुए हैं आपके पास? चलें, इसमें मेरे पास ना जो 14 प्रो मैक्स है वो आजकल पिन पैक मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। यूज में जो है मेरे पास, इसमें ये 13 प्रो मैक्स है, ये अब नॉन पीटीए है, इसी में पीटीए प्रूव्ड भी पड़े हुए हैं, ये 256 GB और 90 प्लस बैटरी हेल्थ है, इसी में फिर पीटीए भी पड़े हुए हैं, पीटीए का भी मतलब के पड़े, इसमें 12 प्रो मैक्स है, 11 प्रो मैक्स है, 11 है, 12 है, 12 प्रो है, तो ये 11 प्रो तक मतलब के ना मेरे पास ये सारी सीरीज इसमें पड़ी हुई है, ऊपर लगी हुई है, इसमें पीटीए भी पड़े हुए हैं, नॉन भी पड़े हुए हैं। और कितनी जीबी से लेके कितनी जीबी तक पड़े हुए आपके पास? 64 GB से लेके इसमें 512 GB तक पड़े हुए हैं। सही। तो अभी बताएं कि ये जो 13 प्रो मैक्स है जी जी, इसमें कितनी क्या प्राइस है इसकी, पीटीए की क्या प्राइस है? पीटीए इसका तकरीबन 360,000 रुपये रेट है, और जो नॉन पीटीए वो 240 से लेके 250 तक का है। सही। और अगर हम नीचे बात कर लेते हैं कि आईफोन एक्सेस मैक्स और एक्स के बारे में, तो इसके बारे में बताएं जरा हमें। इनमें भी एक्सेस जो है वो भी मतलब पड़े हुए हैं 64 GB जो आते हैं, ठीक है, इसी में फिर नॉन पड़े हैं और पीटीए पड़े हुए हैं, पीटीए का अलग रेट होता है, नॉन का अलग होता है, ठीक है, इसी में नॉन एक्टिव होते हैं, कोई सिम चल चुकी होती है, तो फिर आगे आ जाते हैं एक्स वगैरह। एक्स भी आजकल जो है हमारे पास मतलब माल तकरीबन काफ़ी शॉर्ट है, पहले हमारा माल आता था बाहर से, तो अब आजकल जो है ज़रा थोड़ी सख्ती भी हुई है, माल जो है बाहर से नहीं आ रहा, स्टॉक जो नहीं आ रहा, ठीक है, इसी में आगे फिर एक्सेस मैक्स आ जाते हैं, उनमें भी मतलब पीटीए नॉन पीटीए पड़े हुए हैं 64 और 512 तक पड़े हुए हैं, 256 भी इसमें आता है, और आगे फिर 7 प्लस आ जाते हैं,
फिर एंड में 8 लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप जरा ये वाला एक फोन उठाएं और इसके बारे में बताएं कि ये इसमें क्या इसका कैमरा रिजल्ट है, और इसमें कम से कम प्राइस में कौन सा है आपके पास आईफोन पड़ा हुआ है, आईफोन एक्स या एक्सेस में? एक्स में एक्सेस तो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये नॉन पीटीए में है। ठीक है, इसी में फिर ये पीटीए पड़ा हुआ है, ये भी नॉन है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा इसका रिजल्ट है आईफोन एक्सेस का, और काफी शानदार रिजल्ट मुझे इसका नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये गोल्डन गोल्डन कलर के अंदर आई। चलो, अच्छा, तो आप ये बताएं कि आईफोन एक्स में सबसे कम प्राइस में कौन सा मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है अभी? एक्स में नॉन बीटीए आ जाते हैं तकरीबन 50 तक का है, 64 GB, जो 2 महीने सिम चलाता है। इसी में फिर जो बंद होता है, सिम बंद होता है, वो तकरीबन है 45-48 तक का। और अगर हम वन प्लस की बात करें तो वन प्लस में कौन कौन से मॉडल पड़े हुए आपके पास? वन प्लस में मेरे पास 6T से लेके 10 प्रो तक पड़े हुए हैं, और आईफोन के बाद फिर तकरीबन यही अच्छे मॉडल है। इसके बाद जो आते हैं इन्फिनिक्स है, ओप्पो वगैरह, उनका हम बहुत कम काम करते हैं। वो असल में जरा एक तो रैम GB और उनकी और कम होती है, दूसरी बात ये है कि जरा स्लो हैंग हो जाते हैं, फिर इस वजह से जो है कस्टमर ज्यादा सर कंप्लेन करता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं आईफोन का और वन प्लस का सिर्फ। और अगर ये जो वन प्लस बड़ा अच्छा कलर इसका नजर आ रहा है सबसे अलग, ये जरा निकालें और इसके बारे में जरा बताएं कि ये कितने GB होता है और क्या इसमें वेरिएंट्स आते हैं। 8 128 है, और वन प्लस ये 8 है, वन प्लस 8 है ये। और क्या कलर है इसका? ये तकरीबन पिंक टाइप आता है। अच्छा, शाइन भी होते हैं। वन प्लस के जितने मॉडल है ज्यादातर जो है ये ग्लास में आते हैं, फिर इनके डबल शेड होते हैं। मैं देख रहा हूँ काफी लाइट वेट फोन है, और अभी प्राइस से पूछते हैं, प्राइस मुझे लग रहा है ज्यादा ही होगी। और 8128 है मेरे ख्याल से, स्नैपड्रैगन चिप इसके अंदर इंस्टॉल होती है, और एमोल्ड डिस्प्ले होता है इसके अंदर, काफी अच्छा फोन है ये। और अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर जिस तरह आईफोन के अंदर वो होता है, बाकी अगर देखा जाए तो ये फोन जो है काफी अच्छा है। इसके कैमरे की अगर बात करें तो कैमरा भी काफी इसका अच्छा है, वो कैमरा भी मैं आपको इसका टेस्ट करवाऊंगा। और अभी हमारे शरबत आ गए, जरा शरबत वगैरह पियेंगे हम, तो फिर उसके बाद दोबारा से करते हैं स्टार्ट। तो भाईजान, अच्छा, तो माशाल्लाह से काफी इनके पास अच्छी कलेक्शन लगी हुई है, आपको मैंने सारा रिव्यू बताया है मोबाइल के बारे में। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें और मोबाइल लेना चाहें, और क्योंकि काफी साफ फोन, जिसको साफ कंडीशन में कहते हैं, इतने अच्छे फोन इनके पास मौजूद है, तो आप अपना नंबर बोल दें जरा। मेरा नंबर है 03488820245। अच्छा। नाम है मेरा राहुल, 26 रोड दुबई प्लाजे में शॉप है हमारी, और मोबाइल के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, धन्यवाद।